गर्मी की बात हो और पसीने की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज हम बात कर रहे हैं कि पसीना आखिर है क्या और क्यों उसकी अहमियत है हमारी जिंदगी में। जी हाँ, अहमियत है। हम जो हैं वो हॉट ब्लडेड एनिमल हैं। हॉट ब्लडेड एनिमल का मतलब ये होता है कि बाहर का टेम्परेचर चाहे 4 डिग्री हो और चाहे 45 डिग्री हो, हमारा जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और यही मानव जाति की खासियत है कि वो अलास्का में भी रह सकती है और वो तुंद्रा में भी रह सकती है और दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में भी सर्वाइव कर सकती है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाना शुरू होता है, हमारी बॉडी का हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। जब भी बढ़ा हुआ टेम्परेचर ब्लड का टेम्परेचर बढ़ाता है, वो जैसे ही हाइपोथैलेमस एक एरिया है हमारे ब्रेन में, उसमें वो गर्म खून जैसे ही जाता है, फटाफट करेक्शन मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं। क्या है वो करेक्शन मैकेनिज्म? वो है पसीना। पसीना जब हमारी बॉडी जो स्वेट कर रही है उससे पानी निकल रहा है, ये पानी जब इवेपोरेट होता है तो बॉडी कूल होती है, ठंडी होती है। मतलब ये है कि एक तो पसीना आना चाहिए और दूसरा इवेपोरेट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पसीना जो है वो ज़्यादातर फेस और अपर बॉडी पे ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ से इवेपोरेशन, ये चीज़ें खुली रहती हैं तो ये इवेपोरेशन में ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अगर आपका पसीना उड़ेगा नहीं, आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं, सिंथेटिक कपड़े पहन रखे हैं, आप एक भरे हुए कमरे में हैं, तो आपको हीट एग्जॉशन, हीट सिंड्रोम्स, एक्सटर्नल इंजरी, हीट स्ट्रोक, ये सब जो सिंड्रोम्स हैं इसको आप सफ़र कर सकते हैं। पसीना दो तरह का होता है। एक होता है पानी वाला, जिसे हम एक्राइन स्वेट बोलते हैं, जो हम नॉर्मली बहाते हैं जिससे हम गर्मी को ठीक करते हैं। दूसरा होता है एपोक्राइन स्वेट, जो थिक स्वेट होता है, जो हमारे हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होता है, जो आता है अंडर आर्म्स में, प्यूबिक एरियाज में। ये जो है थिक स्वेट, बॉडी ओडर के लिए ये इफेक्टिव होता है, ये इसकी वजह से बॉडी ओडर होता है। जब पसीना सिक्रीट होता है तब उसमें सिर्फ पानी, यूरिया और सॉल्ट होता है। अगर पानी इवेपोरेट हो जाता है, होता क्या है कि आप बाहर से आते हैं, आके एक पंखे एसी के आगे बैठते हैं और पसीना सूख जाता है, लेकिन जो सूखा वो पानी सूखा, जो सॉल्ट रह गया वो आपकी स्किन के ऊपर रह ही गया। तो आपको बाहर से आके फेस वॉश करना, नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही पसीना बालों में भी इकट्ठा होता है, और अगर आप बालों को रेगुलरली नहीं धो रहे हैं या आके बाल खोल के उन्हें नहीं सुखा रहे हैं, तो वहाँ पर पसीना इकट्ठा होता चला जाएगा और यहीं से फिर आगे डैंड्रफ, इरिटेशन और बाल गिरने की शुरुआत हो जाएगी। तो पसीना जहां इंपॉर्टेंट है, पसीने का निदान करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है? पहली बात तो यह है कि पसीना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इवेपोरेट करने की कोशिश करें। तो पहली बात, कपड़े हमेशा लूज होने चाहिए, कॉटन के होने, ये बेसिक चीजें मैं बार बार बोलती हूं लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको दिमाग से जब प्रैक्टिकल जिंदगी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। ढीले होने चाहिए, हल्के रंग के होने चाहिए। बनियान, वेस्ट, शमीज आपको ज़रूर पहननी है ताकि वो पसीने को एब्जॉर्ब करती चली जाए। जब आप वापस आते हैं तो कपड़े फटाफट बदलिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी, जो पैर होते हैं, पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि स्वेट ग्लैंड होते हैं, तो रबड़ की चप्पल मत पहनिए, बंद जूते कम से कम पहनिए, सॉक्स आपके कॉटन के होने चाहिए। पहला मौका मिलते ही आपको अपने पैरों को हवा लगानी है। ऑफिस में भी अगर मौका मिलता है और फीट की ऑर्डर नहीं है तो आप अपने जूते उतार के कम से कम पैरों को हवा लगने दीजिए। जब आपकी छुट्टी होती है तो जूतों को हमेशा धूप में रखिए ताकि जो पसीना उन जूतों में चला गया है और उसमें भी फंगस हो सकती है, वो ठीक रहे। जो कुछ लोग हैं जिनके हाथों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिसको हाइपर हाइड्रोसिस बोला जाता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा होता है कि आप एक पानी में अगर फिटकरी एलम को डाल के उसमें अपने हाथ और पैर की सिकाई 10 मिनट के लिए करें, तो वो पसीना काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और एक कपड़े को इस पानी में डुबो के अगर आप अंडर आर्म्स में रखें तो आर्म्स का पसीना भी ठीक हो जाता है। अगर आपको बॉडी ओडर की दिक्कत है तो मेहरबानी करके उसे वो फुसफुस वो डिओड्रेंट डाल के उसको मास्क करने की कोशिश ना करें, उसको कम करने की कोशिश करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है टैल्कम पाउडर। हाथ में पाउडर लीजिए, इस तरह से रगड़िए और उसको बॉडी फोल्ड्स में लगाइए, वो पसीना एब्जॉर्ब करता चला जाएगा।
टाल्क से कोई कैंसर नहीं होता है, टाल्क सिर्फ पोर्स को बंद कर सकता है, इसलिए आपको उसे सही तरीके से लगाना है। अगर आपको डियो का इस्तेमाल करना है तो रोल ऑन डियो का इस्तेमाल कीजिए। रोल ऑन डियो जो है वो अच्छी तरह बॉडी के पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंटी परस्पिरेंट कतई इस्तेमाल मत करें। एंटी परस्पिरेंट उसका मतलब यही है कि वो पसीना रोकता है, हमें वो नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी को हेल्प करना है पसीना आने के लिए। तो अब आपको पसीने की अहमियत समझ आई। और दूसरा, जितना पसीना बह रहे हैं प्लीज उतना अपने आप को रिहाइड्रेट करते चले जाइए। नमकीन नींबू पानी, ORS, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं आपके सॉल्ट बैलेंस को नॉर्मल करने के लिए। फिजी ड्रिंक्स, ग्लूकॉन डी, ये सब जो मीठी ड्रिंक्स होती हैं ये कतई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बिकॉज ये क्या होता है कि उस वक्त तो ये ठीक आपकी प्यास बुझा देती है लेकिन फिर प्यास को बढ़ा देती है। तो अपने आप को गर्मी प्रूफ कीजिए। अभी तो आगे मानसून पड़ा है, उसमें भी उतना ही पसीना आएगा, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आदतों को ठीक करना है। तो स्वेट इट वेल और अपने आप को अंदर और बाहर दोनों से रिहाइड्रेट करके रखिए।